तो हेलो गाइस, क्या हाल है गाइस। तो फाइनली आज का भी हमारा वर्कआउट होने वाला है। अपर बैक, सॉरी लोअर बैक हमने कर लिए, क्योंकि जो लोअर बैक थी हमने पिछले हफ्ते, अब मैंने वीडियो डाल रखी है, पिछले हफ्ते नहीं, एक दो दिन पहले वीडियो डाल रखी है, आपने देखा होगा। और एक और बात, आज हमारी है थाई, ओ सॉरी थाई थी कल, कल की वीडियो छूट चुकी है, मत्थे की दही और थी, कल जिम में कुछ हो गया था, इसी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी चल ही रहे हैं जिम के अंदर। आज का वर्कआउट हमारा अपर बैक का होने वाला है, लोअर बैक छूट गई। ओ तानी, क्या ये बोलना चाह रहा हूँ, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। मैंने वीडियो शूट करी थी अभी थोड़ी देर पहले पार्क के अंदर, उससे पहले रोड के पास, लेकिन क्या हुआ, मैंने देखा कि कैमरा ऑन नहीं कर रहा। कैमरा ऑन था, फ्रंट वाला कैमरा क्या हुआ यार, बताओ। कैमरा ऑन था, वीडियो शूट नहीं हुई, मत्थे की दही सही से नहीं हुई, मतलब मेरा फेस ही नहीं आ रहा, खाली बोल रहा हूँ मैं। अब दोबारा बोलने का मन नहीं कर रहा, जो बोला था सब भूल गया, क्या क्या बोला था। तो आज हमारी है हैमस्ट्रिंग और, अबे यार भाई, अपर बैक और बाइसेप, अपर बैक से अपर बैक और बाइसेप है। तो चलते हैं अभी जिम के अंदर। और कल की वीडियो में इसलिए शूट नहीं कर पाया, मैंने बताया कि आपको जिम के अंदर कोई दिक्कत हो गई थी, खलती हमारी थाई और ट्राइसेप, जो कि हमने कर लिए, और हैवी वेट मारता, हल्का नहीं मारता, कॉपीराइट यूज़ होगा। चलते हैं जिम के अंदर, वॉर्म के बाद एक्सरसाइज के टाइम पे मिलूंगा। एक ना एक दिन तुम्हारे भाई का भी ऊंचा लेवल होगा, लेकिन सिर्फ वो जब होगा जब आप मुझे सपोर्ट करोगे, ठीक है। चलते हैं जिम के अंदर, मिलते हैं वर्कआउट के टाइम और बॉम्ब के बाद, लेट्स गो। फाइनली जिम के अंदर एंट्री हो चुकी है, और एक और बात बोल दूँ, अभी जिम के अंदर कोई नहीं आया, खाली पड़ा पूरा जिम, जो उधर उस साइड हमारा वर्कआउट का, मतलब जो नॉर्मल चीज़ें वो हैं, और बाकी यहाँ पर मशीन है, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं बॉम्ब के बाद, एक्सरसाइज के टाइम पर मिलूँगा। जिस तरह से बॉडी कंडीशन बढ़ती जा रही है और तुम्हारा भाई नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा है, आपने शॉर्ट वीडियो देखी होगी कि मैंने सोचता हूँ कि नया कंटेंट लाऊँ, अगर आपको जो सी वीडियो चाहिए हो मुझे बताना। और स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट, बढ़िया सा लोअर बैक और बाइसेप, सॉरी अपर बैक और बाइसेप। अगर आप भी फॉलो करना चाहो तो करके देखना ज़रूर, आपको अंदर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक और बात और बोल दूँ, जिस भाई को अपने शरीर के अंदर रिजल्ट देखने हैं, तो पहले वो ये करें कि हर महीने 3 महीने में अपनी एक्सरसाइज चेंज कर दे। ये नहीं कि हर बार यूट्यूब से देख के आ रहा है, हर दिन नई एक्सरसाइज मार रहा है। आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे जब आप एक्सरसाइज का बेनिफिट ही नहीं ले रहे, तो आपको रिजल्ट कैसे मिलेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, 3 महीने में एक बार अपनी एक्सरसाइज चेंज कर दे करो। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपसे मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि कोई बताता नहीं होगा ये सब चीज़ें, ठीक है ना। बहुत लोग हैं कि अपनी बॉडी का राज नहीं बताते, सच सच बता रहा हूँ मैं आपको। और बाकी मेरी तो नेचुरल बॉडी है, अभी तक मैंने प्रोटीन सप्लीमेंट कुछ भी चीज़ नहीं लिया, और आगे जाके शायद मैं लूँगा भी नहीं। अगर लूँगा, अगर नौबत आती है इस चीज़ की, तो कंपटीशन भी खेलूँगा सही से, और अपने गोल्ड मेडल भी लेके आऊँगा। लेकिन जिस हिसाब से मेरी बॉडी अभी नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। पंखा चल रहा है और एसी लगी हुई है, और क्या चाहिए, ठीक है। अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, आपको वॉक के बाद एक्सरसाइज के टाइम पर मिलूँगा। लव यू ऑल गाइस, ऐसे प्यार बना के रखना, और उसे तुम्हारा भाई आपको मोटिवेट करता रहेगा। बाय बाय। आज इतनी गर्मी हो रही है, पसीने दे सकते हो, टोपी तक भीग गई है मेरी, अच्छा भी भीग गया मेरा। ये जो भाई वर्कआउट कर रहा है ना, इनकी बॉडी तो इतनी हेल्थ है, और इनको तो कट्टा भर के पसीना आता है, पूरा ऊपर से नीचे तक भीग जाता है। ये ब्लैक टी शर्ट पहन के आता है और ब्लैक पैजामा, और ये ना पहन के आए ना, तो ये तो भाई साहब क्या ही होगा। स्टार्ट करते अपना वर्कआउट,
to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. फाइनली आज का ये वर्कआउट हमारा कंप्लीट होता है, बैक और बाइसेप का। आज थी हमारी अपर बैक, और जिस तरह से तुम्हारे भाई ने आपको दिखाया वर्कआउट, क्योंकि अगर मैं चाहूँ ना कि नो कुक फ्लैट सॉन्ग पे भी वीडियो बनाऊँ, मतलब अगर गाने ना चले ना जिम के अंदर, तो मैं आपको खाली बातों से खा जाऊँ। लेकिन बस ये क्या है कि जिम में गाने चल रहे होते ना, तो कॉपीराइट इशू आ जाएगा वीडियो पर, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा रुक रुक के वीडियो बनाता हूँ, और साउंड से मतलब साउंड से दिक्कत होगी वीडियो में अगर मैं वैसे लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं। आज बाकी हमारा क्लियर हो गया वर्कआउट, और आपने इतना सपोर्ट किया, आगे जाके और सपोर्ट करना, और दिल से लव यू गाइस, ऐसे प्यारी बना के रखना, और आपको ऐसे मोटिवेट मैं करता रहूँगा। जिस तरह से वीडियो बनाई ना आज, भाई साहब लग रहा था कि आज वर्कआउट होगा नहीं, इतनी गर्मी, आज तो गर्मी थी है, आज सही में वाकई में बहुत गर्मी थी, लेकिन भाई ऐसे चल रहा तो क्या गर्मी, लेकिन तब भी हम दोनों तो ऐसे भीग जाते हैं, ऐसे पता नहीं क्या हो रहा हो। लेकिन अब चलते हैं घर पर, और आपको दिखाते हैं घर पे, तो वैसे जो बना हुआ घर पे वो दिखाऊंगा आपको, और पता नहीं क्या बना हुआ घर पे, दाल चावल ही बनेगा, और क्या बनेगा, क्या ही उम्मीद होगी है ना। तो चलते हैं अभी, और आपको ऐसे मोटिवेट करता रहूँगा मैं, पता नहीं क्या ही बोले जा रहा हूँ, आधी अधूरी बातें बोल रहा हूँ, जिस तरह से हो ही नहीं जा रही बातें, बस ये कि बॉडी बनाना आसान नहीं है, आसान है बॉडी बनाना, कैसा लगता है ना आसान, अब आ जा कर ले, पता नहीं यार, पता नहीं, बंदे बोलते कि ऐसे ये वो लाने का डब्बे खाने से बूढ़ी बनती है, हमारे साथ एक दिन वर्कआउट कर ले उस्ताद, डब्बा याद आ जाएगा उसे, डब्बा याद आ जाएगा, लेकिन ये थाई की एक्सरसाइज और कर ले, रुला दूंगा मैं तो उसे थाई की एक्सरसाइज में, रोज आएगा कहेगा भैया कल से नहीं आ रहा, सुन लिया, इतना आसान होता डब्बे खा के बूढ़ी बनाई, ये खा के बूढ़ी बनाई, मेरा बोलने तो वो लोग तो बोलते रहते उस्ताद, कुछ तो होता नहीं है, खुद चूस ले गिरी होंगे कम से कम 45 किलो के 40 किलो के, और दूसरों को बोलना आसान होता है, मेरे कमेंट में आके तो बोलते रहते दुनिया भर की, ये तो ऐसा है, ये वो ये खाया हुआ इसने, ये फलाना ढिमकाना ढिमकाना पिमकाना हल्ली बल्ली चल्ली बल्ली, यही बोलते रहते हैं, और हाथ में और दर्द हो गया बैक बाई से मार के, और फोन को मैंने कब से पकड़ रखा हाथ के अंदर, तो सुबह से एक ही बात बोलूँगा, दिल से ऐसी प्यार बना के रखो, और ऐसे आगे आके आपको मोटिवेट करता रहूँगा, और मॉर्निंग में जैसे उठता हूँ और वैसे उठता रहूँगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।